सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल का ये बयान कितना सही है। तो आपकी नजर में कौन भ्रष्ट नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको मतलब मिल गया ना उसने खा लिया। अरविंद केजरीवाल झूठा आदमी, धांसू चुनाव होगा। आज मैं करप्टेड हूँ, मैं मोदी जी की पार्टी में चला जाता हूँ, एकदम एकदम साफ हो गया। भाई साहब एक बात है, कानूनी काम करता तो दंगे ही नहीं होते। कोई टीवी चैनल खोल के देख लो, मोदी मोदी मोदी। दिल्ली को देखो क्या है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। भ्रष्टाचार मुझे तो लगता नहीं, तब तक तो हो सकता है कई लोगों का कांट कर देगा ये मोदी। अभी जैसे अडानी का है, अब आप देखेंगे अडानी का जैसे पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं, ये चलेगा? देखो नाराज हो गए, ये चलेगा नाराज हो गए। सुनो सुनो क्या कर रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते। ऐसे हो जाएगा, नाराज नहीं, इनकी भी राय जानेंगे। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु है और केजरीवाल और राहुल गांधी होगा ऐसा? राहुल गांधी और केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब खाली नाम के सर जोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। आज होश आया इस चीज का, बीजेपी के बारे में सारे चोर है, बहुत पहले ही कांग्रेस को देते हुए आए हैं। चाहे कैसे जीत रही थी कांग्रेस तो लाठी के जोर से जी रहे थे, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लाठी के जोर से कभी वोट किसी ने नहीं दिया, कांग्रेस को कभी किसी ने वोट नहीं दिया। अब ग्राउंड रिपोर्ट वगैरह ये लोग करते हैं, उसका मतलब उसका ये नतीजा है ये? आराम से अभी आपका आईना दिख गया ना, अभी पूरे मतलब पूर्व में हुआ चुनाव हुआ था, आईना दिख गया ना, तीनों राज्य में किसी सरकार में ना हो ना। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते तो बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर वो गठबंधन तोड़ दे तो नीतीश कुमार किसी की नहीं आएगी, किसकी गलती है ये? कानून अपना काम कर रहा है, फोन कर रहे भाई साहब एक बात है, कानूनी काम करता तो दंगे ही नहीं होते। मानो मेरी बात, अगर कानूनी सही चल रहे होते तो दंगे होते ही नहीं। भ्रष्ट फिर भी उसी को लाएंगे क्यों? फैन उसके, अच्छा फैन है प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी से, जो भी हुए। किसको बनाओगे उसके अलावा, किसको बनाओगे आप? राहुल गांधी हैं, बना लो, अरविंद केजरीवाल जरूर, ममता बनर्जी हैं, के चंद्र, कई सारे विपक्ष के नेता ताल ठोक रहे भाई, सब होंगे। हम बनाएंगे मोदी को, फिर भी बनाएंगे मोदी को ही भाई। हम तो ये चाहते कोई भी सरकार आ जाए, अभी मीडिया मोदी के साथ है तो राहुल गांधी फिट रहे, जिस दिन राहुल गांधी की सरकार आ, मीडिया कैसे मोदी के साथ है? साथ ही है, कोई टीवी चैनल खोल के देख लो, मोदी मोदी मोदी, उससे अलग कोई न्यूज ही नहीं मीडिया में। तो आपका क्या कहना है, मतलब मोदी जी ठीक नहीं है? दिन एक्सपोज, देखो मोदी जी ने क्या कर दिया, क्या नहीं किया, क्या कर दिया? इंटरनेशनल लेवल पर लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत, हम तो बाहर तो गए नहीं, हमने तो पता नहीं इंडिया की ऐसी तैसी हो रखी है। तो आपकी नजरों में कौन सा? मोदी जी ने 2014 में बोला अपना जो है भारत का पैसा बड़ा कमजोर है, अब बड़ा आसमान पे पहुंच गया, 84 रुपए हो रखा डॉलर, जब कितना था 60-62, अब 84 रुपए है। अभी जो इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगा रहा पेट्रोल, मोदी पेट्रोल पे मोदी जीएसटी क्यों नहीं लगा रहा, पेट्रोल डीजल में क्यों? रेट कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो कम हो जाएंगे। अब एक चीज बताओ, फायदा किस चीज का है? लोग तो अपनी जेब देखता है, हमारे पास तो नहीं तरह रेंज रोवर तो है नहीं, चार गाड़ी आगे चार पीछे। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी सुरक्षा तो है। हम दुबई भी गए थे, वहाँ का प्रधानमंत्री एक गाड़ी में घूमता, कोई सिक्योरिटी आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। तो आप किसको विकल्प मानते हैं मोदी के सामने? देखो हम किसी को विकल्प नहीं मान रहे, जो भी सरकार आए देश का भला होना, हम तो ये चाहते हैं, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे अपने केजरीवाल आ जाए, या फिर ममता बनर्जी आ जाए, या मोदी जी आ जाए, जनता का तो भला हो। जनता का भला अब नहीं हो रहा, वो विकास हो गया 8वीं 10वीं क्लास में, वो विकास ही नहीं हुआ भारत का। कुछ लोगों का मानना है 2024 में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा रहेगा। भाई देखो भ्रष्टाचार के तो सर में इतना पॉलिटिक्स में होनी, बट हम ये चाहते हैं कि जो बंदे की जेब खर्ची है ना वो पहले बहुत कम थी। देखो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई है, सारी चीजें एडवांस हुई है, लेकिन बंदा खाता तो दाल रोटी है, वही महंगी होगी, गाड़ी से चलता है, गाड़ी का किराया महंगा हो गया, जो रोडवेज बसेज है उनका किराया महंगा हो गया, हर चीज का, जो बंदा की रेगुलर चीज है उन पर ज्यादा टैक्स लग रहा है। 2024 से पहले आप किसको, कौन सा नेता ऐसा है जो ज्यादा ईमानदार है, कौन सी पार्टी जो जिसको पॉलिटिक्स में कोई ईमानदार है? सीधी बात है, जो पॉलिटिक्स में कुछ गवाह ईमानदारी है, धांसू चुनाव होगा। कैसे? बस मोदी जी का बहुत बड़ा लहर है और
थट्टा मार रहे हैं, हैट्रिक मार रहे हैं। तो आपकी नजरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक है, ठीक आदमी है, और अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल झूठा आदमी, झूठा आदमी है। क्या 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 झूठ बोल दिए? एक होते एक बताओ, पिछले कई सालों से झूठ ही बोल रहा लगा। तो बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं? हाँ, तो बिजली पानी तो फ्री दे रहा है, लेकिन वो लोगों को लालच दे रहा है, झूठा झूठा लालच दे रहे हैं। तो 2024 में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा रहेगा अंकल? भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जितने भी अपोजिशन में लगभग सब भ्रष्टाचार बने हुए हैं, तो सब मिले हुए हैं। तो देखिए एक आध नाम, भ्रष्टाचार तो रहेगा, क्योंकि एक दूसरे पे कीचड़ तो उछालेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन चोर चोर मोसेरे भाई सब मिल गए। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है अंकल जी अभी, कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं देश में, सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सही कह रहे हो जी, बिल्कुल, वो तो उनके बराबर सच्चा आदमी कोई है ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के बराबर। अरविंद केजरीवाल जी एक दो दो मंत्री तो जेल में पड़े हुए हैं, उसका नंबर लगा हुआ है, और उस अपने को सच्चा बंदा, इससे ज्यादा और क्या झूठ हो सकता है। अच्छा, तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल ठीक आदमी? मोदी जी की आपके फैमिली देखो, उनकी जो मदर जब एक्सपायर हुई, उनकी तेरहवीं देखो, उनका जो क्रियाक्रम किस ढंग से हुआ, बिल्कुल एज ए साधारण जो है महिला की तरह उनका दाह संस्कार किया गया। उनकी माँ जो है वही दो कमरे के फ्लैट में है आज भी। मोदी जी तीन टर्म CM रहे, चीफ मिनिस्टर, वो चाहते थे अपनी माँ को अपने भाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते थे, उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लग रहे हैं कि अडानी जी के मित्र हैं, अडानी जी को फायदा पहुंचा रहे हैं। भाई अपोजिशन को कुछ तो मुद्दा चाहिए ना कहने के लिए, अपोजिशन सिर्फ मुद्दा बना रही है, मुद्दा बना रही है और कुछ नहीं है। और सेबी को वो दे दिया गया है चार्ज, इसका जो काम सेबी को दे दिया गया, सेबी ऑलरेडी जांच कर रही है, और कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन विपक्ष तो JPC बनाने की मांग कर रहा था, वो तो बनाई नहीं। JPC तो इसलिए कह रहे कि 4 साल के लिए लंबा चला जाएगा। JPC में आपको कभी सॉल्व हो देखा है? उसमें सारी पार्टियों के नेता होते हैं, और ये JPC में जो केस जाएगा 2-3 साल तक के लिए वो जो लंबा चला जाएगा, इसलिए वो चाहते JPC बन जाए ताकि मुद्दा जो इलेक्शन तक गर्म रहे। और तो आपकी नजर में 2024 में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा रहे? भ्रष्टाचार मुझे तो लगता नहीं, तब तक तो हो सकता है कई लोगों का कांड कर देगा ये मोदी, जेल भेज देगा इन लोगों का जो है। अच्छा, जेल भेज देगा तो अपने नेताओं को भी भेज देंगे क्या, जिन पे? एक ही चीज है कि मोदी को हटाओ और अपोजिशन को लाओ, बस ये भ्रष्टाचारियों को लाओ, इनको सबको बचाओ, ये है बस। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अंकल का तो कहना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के आगे कोई टिकेगा नहीं। कुछ यूथ भी है हमारे साथ, उससे बात करना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है और उनकी नजर में भ्रष्टाचार को वो कैसे नापते हैं या आंकते हैं। हर जगह है, कैसे? कहीं भी बिना पैसे के काम नहीं होता, कहीं भी बिना पैसे के काम नहीं होता। आपकी नजर में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन सा पार्टी का नेता है या कोई एक नेता? ईमानदार तो आज की डेट में कोई भी नहीं है, कोई भी ईमानदार नहीं है, सब पहले अपना देखते हैं, बाद में दूसरे का देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मैं तो अभी इलेक्शन भी नहीं करता। अच्छा, अभी वोट नहीं डालते, चलिए नंबर आएगा अभी। देखो, मेरी तो राय यह है, सभी की राय अपनी अपनी अलग रहती है। अंकल भी जो थे वो भी बोल रहे थे, कह रहे थे कि उनकी मोदी जी की माँ जो एक्सपायर हुई थी, उनका सिंपल तरीके से दाह संस्कार हुआ था। दाह संस्कार तो सभी के सिंपल तरीके से ही होते हैं, दाह संस्कार में होता क्या, डेथ हो जाने के बाद उसको दाह संस्कार ही होना। आपकी नजर में अरविंद केजरीवाल जी सही बोल रहे थे? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे हैं। बताओ, क्या दिल्ली में क्या नहीं दे रखा है? ये अभी अंकल जी यहाँ पे बातें कर रहे थे, क्या ये फैसिलिटी नहीं दे रहे होंगे जो दिल्ली सरकार इनको दे रही होगी? यानी कि दिल्ली में जो बिजली पानी और परिवहन सड़क वड़क जो है वो बिल्कुल अस्पताल। केजरीवाल जी की क्या गलती है? जगह जगह उन्होंने वो खोल रखे हैं क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं। बात आप अपनी रखोगे सुनी जाएगी, अपनी पावर ही नहीं है, सेंट्रल फोर्स कहाँ सुनती है केजरीवाल जी की? तो उनके पास पावर की कमी है, इसलिए थोड़ा। मोदी जी का क्या जीवन है? आज मैं करप्टेड हूँ, होना करप्टेड हूँ, मैं मोदी जी की पार्टी में चला जाता हूँ, एकदम कोई रीजन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन साफ हो गया। वो पुतिन जी ने 20 साल से बैठे हुए हैं सीट पे, चाइना के हैं 15-20 साल से बैठे हुए हैं, ऐसे ये बैठना चाहते हैं, सामने वाला खत्म रहे। अच्छा, 2024 का इलेक्शन जो आने वाला है, भ्रष्टाचार कैसा मानते? ये तो देखो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, ये तो वोट पर डिपेंड करेगा। आपकी नजर में सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी या नेता कौन है? मेरी नजर में तो दिल्ली में तो केजरीवाल है, सेंट्रल में तो राहुल गांधी है ही है सामने। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आंटी जी हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे जानेंगे।
एक अम्मा जी हैं, फोन चला रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मानती हैं वो 2024 में क्या होगा। यहाँ कैसे बैठे? तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। अब वो कौन से झुक सकते हैं, उनकी देखो कितनी गलती है, हिंदू को देखो क्या कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के ढेर तो हटाने के लिए कह रहे हैं वो कि एमसीडी में अब आए हैं और हटाएंगे। अब इतने साल हो गए उनको बने हुए, जमुना नदी साफ नहीं हुई। लेकिन उनका कहना तो था कि बीजेपी थी एमसीडी में इसलिए नहीं हुई, अब इस बार बीजेपी हटी है और आम आदमी पार्टी आई है तो अब हटाएंगे दो साल के अंदर। देखते हैं, दो साल में जितने भी आपके विपक्षी हैं, गली के कुत्ते हैं, आप देखते हैं ना, बाहरी कुत्ता आता है तो जितने होते हैं आपस में तो लड़ाई करते हैं, बाहरी से लड़ाई करते हैं। ये उसी तरह के, क्या ममता बनर्जी कभी केजरीवाल को अपने सामने में खड़ा होने देगा? क्या आपको लगता है अखिलेश यादव जो टोपी चोर है, सीएम बना, विदेश से पढ़ के आया, वो व्यक्ति इनको खड़ा होने देगा? इधर नीतीश बाबू हैं। आपका शुभ नाम? पवन। पवन कहाँ से आते हो? हरियाणा, जज्जर। अभी अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया था, अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं। कैसे कैसे सही कह रहे हैं? भ्रष्ट है वो। कैसे भ्रष्ट हैं? एक खूबी बताओ उनकी, क्या खूबी है? देखो उन्होंने जो भी कुछ किया ना, सब कुछ बेच दिया। अब मुद्दा उठा संसद के अंदर अडानी पे, वो क्यों नहीं बोले? उनका जो बयान था वो सारा काट दिया गया, कहाँ पे है वो? अगर आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं तो दोबारा से सरकार कैसे बना ली? 2014 में बनाई, फिर 2019 में बनाई और अब 2024 आने वाला है। देखो अब पता लग जाए तो 24 में पता लग जाएगा ना। देखिए जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो नेता है, नेता मतलब आ गया तो पक्का भ्रष्ट मिलेगा। अच्छा, आपकी नज़र में सारे नेता भ्रष्ट हैं? कोई खुल के आ गया, कोई खुल के नहीं आया, बात करेंगे। तो आपकी नज़र में कौन भ्रष्ट नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको मतलब मिल गया ना उसने खा लिया। और इंडिया में तो सिंपल सा है, अगर 10 रुपये खाने को मिले तो खा जाते हैं, बस यही होता है। 100 के 100 लोग खा रहे हैं, जो मिल गया उसको चोर घोषित कर देंगे। 2024 में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? अगला साल है, आम इलेक्शन होने वाले हैं। देखो आज तक किसी को फर्क नहीं पड़ा, अभी क्या इलेक्शन हुआ तो एक महीना चिल्लाएंगे हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। इलेक्शन हुआ एक महीने बाद तो भूल जाएंगे, फिर कोई न्यूज, कोई है ना नई न्यूज ढूंढेंगे, उसको क्रिएट कर देंगे, लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे।